क्लियर। गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आपकी लाइफ तो अच्छे से कट रही होगी, लेकिन जितना हम लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं आपको, पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको और ये आपका सेकेंड लेक्चर है, तो जितना हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, सभी लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से वॉच करिएगा और जो ना समझ में आए कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि कमेंट अगर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा कि हाँ क्या उसमें है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बताया था एक बार उसको रिकॉल करा दें, उसके बाद हम आपको आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में डिफाइन किया था कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज की खोज कैसी हुई, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या किस पर रिसर्च करके आपको बताए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया था, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया गया था। और क्या था उसमें, और क्या बताया गया था उसमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, हाँ थोड़ा सा चर्चा किए थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब करंट के बारे में, क्योंकि चार्ज आया था तो करंट के बारे में बताना जरूरी था। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये सब हम आपको बता चुके थे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, और इससे भी इंपॉर्टेंट अभी हम पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये तो बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, बोर्ड इससे बहुत क्वेश्चन बनाता है, किससे, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच कीजिए और जो ना समझ में आए तो कमेंट भैया जरूर कर दीजिए, कमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको क्या आ रहा है, क्या आपको क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डाउट हो तो डाउट जरूर आप क्लियर कर लिया करिए। ठीक है, चलिए देखा जाए कूलम्ब्स लॉ क्या है, पहले इसके बारे में देखा जाए, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ में जो जो फैक्टर आएंगे उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए आपको कूलम्ब्स लॉ अब बोर्ड पे राइट किया हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट चार्ज होंगे, दो पॉइंट चार्ज होंगे। चलिए हम इसको हम एक बार एक पॉइंट चार्ज हम यहाँ बना रहे हैं आपको, ये देखो भैया एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक चार्ज इसका नाम है Q1 और इसका नाम क्या है Q2, बिल्कुल मेरे भाई ध्यान से समझिए, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R। अभी हम डिफिनेशन पे आएंगे, पहले फार्मूले से कैसे डिफिनेशन बनाते हैं वो ध्यान से देखिएगा पहले, और इसके बीच इस पर जो फोर्स लग रहा है मेरे भाई वो क्या लग रहा है F, और इस पर भी जो फोर्स लग रहा है वो क्या है आपका ये भी F, दोनों पे फोर्स आपका सेम लग रहा है, दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, दोनों पे फोर्स आपका सेम है, जितना फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है उतना ही फोर्स सेकेंड वाले चार्ज पे लग रहा है, मतलब फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये दिमाग में ना है कि पहले वाले चार्ज पे फोर्स कुछ और लगेगा, सेकेंड वाले बॉडी पे फोर्स कुछ और लगेगा, नहीं, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई होंगे, इतना कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जितना फोर्स फर्स्ट वाली बॉडी पे लगेगा क्या उतना ही फोर्स सेकेंड वाले बॉडी पर लगेगा। जी हाँ, जितना फोर्स लगेगा फर्स्ट वाले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगेगा आपके सेकेंड वाले बॉडी पे। ठीक है, और हमने इनके बीच का जो डिस्टेंस क्या माना है, आर माना है। तो कूलम्ब्स के नियम से उनका स्टेटमेंट क्या आया था कूलम्ब जी का, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। अभी हम आगे बात करेंगे न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट मालूम चलेगा और क्वेश्चंस वहां से भी बनाया जाता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चल जाएगा अच्छी तरह से, पहले हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ लें, क्योंकि ग्रेविटेशन में 11th में आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ। ठीक है, यहां हम बात करेंगे किसमें, कूलम्ब्स लॉ में। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कहने का क्या मतलब आ रहा है यहां पर, सेंस क्या है, देखिए इनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन और रिपल्शन, इंट्रैक्शन का मतलब दोनों हो गया, उसमें आपका अट्रैक्शन भी होगा और उसमें आपका रिपल्शन भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज आप देख सकते हैं ना, चार्ज में अट्रैक्शन भी था, चार्ज में रिपल्शन भी था, इसलिए वर्ड दिया गया है इंट्रैक्शन। ध्यान समझिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आ सकता है बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट Q1, एक पॉइंट Q2, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। इनका स्टेटमेंट यही था, चलो देखा जाए इसका प्रूफ। देखिए F इज प्रोपोर्शनल टू, यहां करें F इज प्रोपोर्शनल टू Q1, दैट फर्स्ट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1, दैट मीन्स Q इंक्रीज ऑल्सो F इंक्रीज। सेकेंड क्या था, F इज प्रोपोर्शनल टू Q2, इक्वेशन नंबर टू, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, क्लियर हुआ। अब कंबाइंड फ्रॉम वन टू एंड थ्री, तीनों को कंबाइंड कर देंगे, जब कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड वन टू एंड क्या थ्री, तीनों कंबाइंड करें, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। अब यहां पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, क्यों, जी हां ये आपको पता है, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो उसके प्लेस पे कोई कांस्टेंट आता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इसको हटाने का मतलब कि इनके प्लेस पर कुछ ना कुछ आएगा, कोई ना कोई, अरे एक को हटाएंगे तो उनकी जगह पर उनको पूर्ति करने के लिए कोई आएगा ना। आ गया यहां से, क्या आएगा वो देखिए, F इक्वल टू यहां आएगा K, अब दिमाग में आ रहा होगा K क्या है, Q1 Q2 अपान मेरे भाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यहां तक आ रहा है R स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री बना हुआ है ना फोर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लीजिए फोर, फोर यहां देखिए ऊपर, यहां देखिए। अब इसको देखो, वेर के जब के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसके इसको कहते हैं कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, वेयर के इज कॉल्ड कूलॉम कांस्टेंट, वेयर वेयर के इज कूलॉम्ब, कूलॉम्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, ओके। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या होती है, के को हटाएंगे इनके प्लेस पे कुछ रखेंगे ना इसकी वैल्यू, चलिए इसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, परमिटिविटी कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, किसी फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी कांस्टेंट इसको बोला जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, हिंदी भी जानी थी दोनों लैंग्वेज, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे तो दोनों लैंग्वेज, आपको आपका अपना लैंग्वेज है और जो बच्चे स्टेट बोर्ड वाले हैं उनका अपना लैंग्वेज है, ठीक है। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ कूलॉम्स लॉ,
इसकी वैल्यू भी होती है, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू भी होती है मेरे भाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू 9 × 10⁻¹। इनकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं पूरा 9 × 10⁻¹, और ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 / r². यहाँ तक तो समझ में अच्छी तरह से आपको आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों चार्ज को डायरेक्टली प्रपोर्शनल कर दिया। स्टेटमेंट के अनुसार मैंने डिस्टेंस को उसके इनवर्सली प्रपोर्शनल कर दिया, तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया। क्यों कंबाइन किया, क्योंकि तीनों क्या है, फोर्स है ना, तीनों ही फोर्स है, तो फोर्स को तीन जगह क्यों लिखे हम, तीनों कंबाइन करके एक जगह लिखेंगे, हमने एक जगह लिख दिया। लिखने के बाद के आया, इसको हटाया मैंने, इनके प्लेस पे के आया। अब के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है, के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r², और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹ Q1 Q2 / r². यहां तक तो समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस आपको आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। देखिए फिजिक्स वैसे भी रटा नहीं जाता है, अगर रटेंगे तो रटने से कोई मतलब नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि हम आपको समझाएंगे, हम आपको समझा के रहेंगे, अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे मुझे समझना है तब, नहीं तो पहले ही से कह रहे हैं दिमाग में बैठा रहेंगे कि आप पढ़ाइए, हम समझ में नहीं करेंगे। तो ये तो भाई जब नहीं समझेंगे तो क्या मतलब है ना, तो माइंड में ये सेटअप करिए कि हमको समझना है। अब ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या इसमें किया गया है, कुछ किया गया है नहीं, बस कूलम्ब्स नियम यही है, कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू 9 × 10⁻¹ Q1 Q2 / r². इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये देखो डिफिनेशन क्या है, इसको अगर हम देखो, इसको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, या यहां से देख लीजिए डिफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, बिल्कुल सिंपल, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट मींस अगर एक इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, इसे कहते हैं इनवर्सली मींस क्या, उल्टा, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं ना है, अब मैंने कुछ नहीं किया, अब यो तो ये डिफिनेशन तो यहां से भी आप बना सकते हैं, डिफिनेशन यहां से भी बना सकते हैं, डिफिनेशन कहीं से बना सकते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक, दो बिंदु आवेशों के बीच, हिंदी में देख लीजिए इसका, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला, ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब कार्य करने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही कहा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों लैंग्वेज आपने समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बताएं आपको। चलिए हो गया, अब इसके आगे देखा जाए कि इसके आगे क्या दिया हुआ है मेरे भाई। देखिए बहुत अच्छा है स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, अब ये नहीं है कि जो मैंने राइट किया वही आप भी राइट कर लो, अपने मन से भी आप लिख सकते हो, उसके एक फार्मूले के अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या आया था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एफ इक्वल टू क्या आया था, कि Q1 Q2 / r², यही है कूलम्ब्स लॉ, मेन तो यही फार्मूला आपका बना। अब K की वैल्यू पूछा जाता है आपसे कि K क्या है,
तो के की वैल्यू तो हमने बताई दी आपको, के की वैल्यू क्या था, एफ इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ये है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। हाँ, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, इसको हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². आइए इसकी अगर यूनिट देखा जाए, यूनिट तो यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स यूनिट क्या होगी। यूनिट पर फोकस कीजिएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि यूनिट ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसकी वैल्यू पूछा जाता है, न्यूमेरिकल लगाते हैं समय उसकी वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपको पता हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। तो हमने दोनों की वैल्यू और दोनों की यूनिट भी देख लिया, यूनिट क्या होता है ना। यहां तक तो किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल वेव में चल रहे हम लेकर आपको। और मेरा पहला ही सिद्धांत में बता दिया आपका कि आपको समझाना मेरा पहला सिद्धांत है, अगर आप समझ गए कि समझ जाओगे सब कुछ बढ़िया है, नहीं समझेंगे तो फिर भाई दिक्कत है हमारे लिए, तो हमको ये लगेगा ना कि हम आपको समझा नहीं पाए। तो नहीं भी आएगा तब भी आप इसको दो बार तीन बार वाच करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। बहुत ईजी वेव में बनाया जा रहा है, बहुत ईजी वेव में आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इससे सिंपल लैंग्वेज और सिंपल डेरिवेशन क्या हो सकता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपने देख लिया, अब एक बात बताइए कि इसका डायमेंशन तो क्या होगा, डायमेंशन पूछा जाता है मेरे भाई, डायमेंशन, यूनिट तो मैंने देख ही लिया, डायमेंशन किसका, डायमेंशन एक बार हम लोग डायमेंशन देखा जाए किसका, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन मेरे भाई आपसे पूछा जाता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो कुछ मत करिएगा, पहले जो दिया हुआ है इसको यहां पर छोड़ दीजिए, इनको यहां भेज दीजिए, इनको जब यहां पर भेजेंगे तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। चार्ज को इसके नीचे क्यू वन क्यू टू, एनी डाउट, नो। अब मुझे बताइए ये फोर्स है ना, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर माइनस टू, और ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल होता है, चूंकि यहां स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नीचे देखिए मेरे भाई, ये चार्ज है और आपने करंट के फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, क्योंकि आई इक्वल टू क्यू बाई टी आपने पढ़ा है ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, और आई का डायमेंशन ए होता है और टी का क्या होता है, टी ही होता है सेकेंड, है ना, तो ए टी। टाइम का डायमेंशन तो टी होता है और करंट का क्या होता है, ए होता है। चलिए यहां रखा जाए, ये हो जाएगा ए टी, और यहां भी चार्ज है, ये हो जाएगा ए टी। अब मेरे भाई क्या होगा, अब कुछ कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो इसको आप सीधे ऊपर ले जाइए। अब मुझे बताइए ऊपर ले आए क्या हो जाएगा, ये एम, एम कहीं है नहीं, ये एम हो जाएगा, एल कहीं है, यहां एल दो पावर है, एल यहां पे वन पावर है, कितना पावर हो जाएगा, एल पे थ्री पावर हो जाएगा, यहाँ टी पर माइनस टू है,
यहाँ टी और टी, टी दो बार है, टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस टू, और माइनस टू पहले से है तो हो जाएगा टी पर माइनस फोर। एनी डाउट? कंफर्म आ रहा समझ में ना? और ए और ए, ए स्क्वायर हो जाएगा जो ऊपर जाएगा तो ए पर माइनस टू। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका हो गया डायमेंशन, क्या हो गया इसका डायमेंशन हो गया किसका, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, ठीक है ना, कंफर्म है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, बोर्ड में एग्जामिनर का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहां बनाने के लिए इच्छुक रहता है एग्जामिनर भाई, पूछ दिया जाएगा आपसे एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए इसके आगे, वल्ली एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा वो देखा जाए, इरेज करें इसको, इसको छोड़ लीजिएगा। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, वनली एप्सिलॉन नॉट का, ठीक। तो इसका भी डायमेंशन वहीं से निकलेगा, जैसे मान लीजिए f इक्वल टू क्या था, k q1 q2 अपान r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा था, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर। अब इसको आप, इसकी डायमेंशन है ना, इसका डायमेंशन इसको आप यहां कर दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वन अपॉन क्या बचेगा यहां पर, फोर पाई क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ चलाएगा इसके नीचे एफ आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं? डायमेंशन निकाला जाए किसका, इसका डायमेंशन किसका, इसका एप्सिलॉन नॉट का। एक बात बताइए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, कांस्टेंट का डायमेंशन तो होता ही नहीं है, ये तो पता है ना आपको, जब कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा मेरे भाई तो चार्ज का ए टी, दो चार्ज है फिर ए टी अपॉन फोर्स है एम एल टी पर माइनस टू, यहाँ डिस्टेंस है एल स्क्वायर, अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, टी दो है और यहाँ टी माइनस दो है ऊपर जाएगा तो टी पर फोर हो जाएगा। अब देखिए एम है तो एम हो जाएगा आपका, एम कितने बार है तो एम पर माइनस वन हो जाएगा। अब क्या बचा, एल दो बार तीन बार, दो यहाँ और एक यहाँ, तीन ऊपर जाएगा तो एल पर माइनस थ्री हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट का, जस्ट उसी का अपोजिट है, जस्ट उसी का, अगर एक याद कर लो ना तो उसी पर जो प्लस वाला होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाला होगा उसको प्लस कर देंगे। समझ में आई बात मेरी? तो हमने दोनों डायमेंशन देख लिया, एप्सिलॉन नॉट का भी और वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का। डायमेंशन तो आप चैप्टर्स पढ़े होंगे एलेवेंथ में, पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, वहां से डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर्स ये है कि कुलाम्स की नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन, और ये बोर्ड का सबसे लाजवाब या बेहतरीन क्वेश्चंस यह है आपका, है ना, बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा, बोलूँ पसंदीदा क्वेश्चंस ये बोर्ड यहाँ बनाता है, कुलाम्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। पढ़ा जा, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कुलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
एक बात ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कूलम्ब्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ना। सेम वही है, बस उसमें थोड़ा सा हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात कर लेंगे। बस जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगा तो कन्फर्म है कि वो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर के साथ, वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो बस इसमें हमको वही काम करना है, ठीक है। तो देखा जाए, ये देखिए दो चार्ज है, बिल्कुल मेरी बात ध्यान समझिएगा, और एक चार्ज यहां है। दोनों चार्ज को आपस में मिला दीजिए, इसका नाम क्या है था Q1 था और इसका नाम क्या था Q2 था। बीच का डिस्टेंस क्या था दोनों के, बीच का डिस्टेंस था R। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझिए मेरे भाई। एक बात बताओ, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, और इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, देखिए F1 due to 1 force 1 due to 2, और इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसके कारण F2 in 1 मीन्स क्या, 1 के कारण 2 पे फोर्स और 2 के कारण 1 पे फोर्स। मेरी बात समझ में आई है, ध्यान से समझिएगा। F1 2 का मतलब समझ में आया, 1 पहले चार्ज पर दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स, और दूसरे चार्ज पे पहले के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसके भी दोनों अलग अलग वेक्टर होंगे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक तो हो जाएगा R। देखिए डिस्टेंस देखा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिखते हैं R2 - R1 डिस्टेंस। अरे इसको R2 - R कहिए, चाहे हम इसको हम मॉड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो जाएगा। अब बताओ डिस्टेंस यहां से यहां तक तो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, अगर डिस्टेंस बात किया जाए इधर के लिए, इस डायरेक्शन के लिए अगर बात किया जाए, ये हो जाएगा आपका क्या, जब ये R2 - R1 ये हो जाएगा R1 - R2। नहीं बात समझ में आई, R1 - R2 का मतलब क्या हुआ, हमको हम फोर्स या डिस्टेंस इधर से ले रहे हैं ना, इधर से, तो फाइनल कौन है, ये है फाइनल है, तो R1 - R2। और जब हम इधर से लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 2 और इनिशियल क्या है 1। आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, F12 का मतलब समझ में आया, फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 2 ड्यू टू 1, इसके कारण इसके द्वारा लगाया गया बल, और इसके कारण इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके कारण इसका डिस्टेंस, और इसके कारण इसका डिस्टेंस। देखिए R2 - R1 का मतलब क्या हुआ, फाइनल 2 इनिशियल 1, और R12 का मतलब देखिए डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इधर है 1 2, डायरेक्शन इधर है तो 2 1। दिमाग को कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो दिया हुआ है एकदम सेम आपके फॉर्मूले के, ये फिगर के अकॉर्डिंग है। बात समझ आई ना, फिगर के अकॉर्डिंग है। अब एक बात बताओ, आप क्या पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, F=K Q1 Q2 / mod R² देखिए हम डिस्टेंस यहां ले रहे हैं क्या, यहां हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसलिए मॉड लगा रहे हैं। ओके, क्या ले रहे हैं यहां पर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए क्या लगा, क्या लगा रहे हैं हम यहां पर, मॉड लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, यह है आपकी स्केलर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड है ना, केवल डायरेक्शन भी अगर आ जाता, अगर डायरेक्शन भी आ जाता, ये बन जाता आपका क्या, वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि वेक्टर के साथ साथ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हो ना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहां पे ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो
तो डायरेक्शन दिखाएंगे किससे, कैप से, कैप आर कैप, क्या हो जाएगा आर कैप, और आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो गया डायरेक्शन। आपने पढ़ा होगा कि आर कैप इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। अगर वेक्टर की कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में अगर क्लियर हुआ होगा तो ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए तो इनके प्लेस पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन, यहां मॉड आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मॉड आर इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए एफ वन के कारण फल, एफ वन टू लिख रहे हैं ना, एफ वन टू इसके कारण, इसके द्वारा लगाया गया तो डिस्टेंस भी तो ही होगा, यह लिख सकते हैं आर वन माइनस क्या आर टू का स्क्वायर। और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, इसके प्लेस लिखेंगे क्या वेक्टर आर मीन्स क्या ये आर वन माइनस आर टू, ठीक है। अब पूरी पर क्या लगा रहे हैं हम कैप, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। अब कैप को हटाते हैं, पूरे कैप है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा कैप है, पूरा कैप है। अब कैप को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, चलिए इसको नोट किया जाए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ देखिए एफ एफ वन टू इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई के क्यू वन क्यू टू अपान, देखिए जब कैप लगाएंगे ना तो ऊपर क्या हो जाएगा वेक्टर आर अपान क्या हो जाएगा मॉड आर, ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आर वन माइनस आर टू का क्यूब बन जाता है, क्या बन जाएगा दो पावर ये, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग क्या मॉड ऑफ या यानी यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, देखिए ये न होगा, अरे वेक्टर आर अपान मॉड आर तो इतना अपान मॉड होगा इतना में, तो मॉड एक पावर और एक पावर ये, दो पावर ये, कितना पावर जाएगा थ्री पावर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स लॉ। आई बात समझ में कि नहीं, हमने तो वन टू बता दिया, एफ वन टू क्या होगा, अब एफ टू वन क्या होगा, अब बताइए एफ टू वन, देखिए हम क्या बताया है एफ वन टू मतलब वन के कारण, वन पर टू के कारण कितना फोर्स लग रहा है, अब टू पर वन के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा आपका एफ टू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई के क्यू वन क्यू टू, यहां क्या हो जाएगा आर वन आर टू लिखे होना, यहां हो जाएगा आर टू माइनस आर वन पर मॉड क्यू, और ये हो जाएगा आपका आर टू माइनस आर वन वेक्टर, ये हो गया एफ टू वन, ठीक, ये क्या हो गया आपका एफ टू वन, क्लियर हुआ। ये कूलम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है, कूलम्स लॉ का ये क्या है वेक्टर फॉर्म है। एग्जाम में क्वेश्चन तो मस्ट है, पूछा जाता है, देखिए वेक्टर फॉर्म मीन्स क्या, उसमें आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया तो साथ में मैंने क्या लिया डायरेक्शन लिया, और यहाँ यूनिट वेक्टर। अब सोचेंगे सर यहाँ ये कैसे आ गया अपने मन से, अरे बताओ वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू वन होती है ना, यूनिट वेक्टर है ये क्या है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या वैल्यू वन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसकी इसकी प्लेस पर हमने क्या लिखा, इसके प्लेस पर हमने क्या लिखा R1 माइनस आर टू, क्योंकि देखिए R1 माइनस आर टू लो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, तो इनके प्लेस पर मैंने क्या लिखा ये, और लगा दिया मैंने पूरा पर कैप लगा दिया, जब यहाँ पे कैप लगाया है यहाँ पर पूरा पर कैप लगा दिया मैंने, ठीक। और इसकी जगह पर आपको पता है ना ये कैप, चाहे R कैप कहो तो R कैप मीन्स क्या वेक्टर R अपान मॉड R होगा, उसी तरह इतना वेक्टर इतना अपान क्या हो जाएगा अपान क्या अपान होगा क्या इतना ही होगा, तो दो पावर ई और एक पावर ये, कितना पावर हो जाएगा थ्री पावर। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत प्रेशराइज मत पड़िए कि नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आया, एक बार ध्यान से देखिएगा, दो तीन बार देखिए समझ में आ जाएगा। तो एफ वन ये एफ वन टू है, एफ क्या है एफ टू वन है, इसका मतलब कि एक दूसरे क्या है अपोजिट है, या कह सकते हैं कि जब एफ वन टू ये किसके इक्वल हो जाएगा F21 के माइनस, जस्ट अपोजिट है, ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है, इसका मतलब कि यहां पे ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स के
थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपने क्या पढ़ा था, एक्शन देन रिएक्शन, एक्शन देन रिएक्शन। अपोजिट साइड क्या दिखा रहा है कि हमका अपोज हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक ना, ये होता है। तो ये हमने पढ़ा क्या, वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स लॉ। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ गया होगा कि कूलम्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का लेक्चर्स बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे आ रहे हैं ना, अभी 11th से 12th में भी एंट्री किए हैं, तो ज़्यादा पढ़ा देंगे तो हो जाएगा बर्डन। तो बस इतना ही, कूलम्स लॉ क्या था और कूलम्स के लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आज के वीडियो को बस हम यही स्टॉप कर रहे हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।